मैंने तो अपनी प्रसन्नता जाहिर की है कि राहुल गांधी जी की धर्मनिरपेक्षता का विस्तार जालीदार टोपी से रोजा अवतार से निकल करके और मंदिरों की चौखट तक गया है। वो मंदिर गए, अम्बा माता अम्बाजी माता मंदिर गए, अक्षरधाम मंदिर गए, उन्होंने भजन भी किया, वो एक गौशाला भी गए और फिर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि उसी अक्षरधाम मंदिर में जिन्होंने हमला किया था उसके जो आरोपी है अब्दुल राशिद, उसको कांग्रेस ने मदद की। फिर एक वो यहाँ आकर के गौशाला में जाते हैं लेकिन केरल में उन्हीं का एक पदाधिकारी चौराहे पर गाय काटता है और उसको उन्होंने 3 दिन बाद बाहर किया जब बहुत विरोध हुआ। तो वहाँ गाय काटना उचित है लेकिन यहाँ आकर के वो गाय को हाथ फेर दें। फिर मंदिर अगर जाते हैं तो बहुत अच्छा हुआ कि मंदिर गए, लेकिन क्यों वो कभी किसी कश्मीर के किसी भग्न मंदिर नहीं गए, वो केरल में किसी मंदिर में नहीं गए, वो कर्नाटक के किसी मंदिर में नहीं गए, कहीं और किसी मंदिर में नहीं गए, केवल गुजरात के मंदिरों में जाना। तो मुझे अच्छा लगा कि उन वो वास्तव में धर्मनिरपेक्षता हो गए। लेकिन फिर मुझे एक शंका भी हुई कि क्या उनकी धर्मनिरपेक्षता पाखंड है, क्योंकि सिर्फ गुजरात के मंदिरों में जा रहे हैं, इसके पहले कभी मंदिर में नहीं गया। और उन्होंने तो एक बार ये भी कहा है कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, उनका आधिकारिक बयान है, उसका उन्होंने आज तक खंडन नहीं किया, तो अब वो क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने ये जो पाखंड है इसको उठाने का प्रयास किया है और उनसे इसी तरह के प्रश्न किए कि जो जिहादी मानसिकता का टीपू सुल्तान, जिन्होंने सैकड़ों वहाँ कत्ल किए हैं और कई हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, उस टीपू सुल्तान की जयंती बनाने का काम वहाँ कांग्रेस की सरकार कर रही है, लेकिन वहाँ आप एक अलग स्टैंड लेते हैं, गुजरात में एक अलग स्टैंड लेते हैं, कहीं और राज्य किसी राज्य में दूसरा स्टैंड लेते हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता के प्रति आपकी ईमानदारी नहीं है, आपकी धर्मनिरपेक्षता ढोंग है, ढकोसला है, छल है, छलावा है। और इस तरह की धर्मनिरपेक्षता ठीक उसकी कोई तुलना नहीं है, केवल मुझे एक ही तुलना दिखती है कि वो नगर वधु की। नगर वधु किसी से विभेद नहीं करती लेकिन किसी से प्रेम भी नहीं करती। मुझे लगता है कि आपकी जो धर्मनिरपेक्षता है वो नगर वधु किसी है।